की हाल चाल मित्रों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे, मौज में होगे और हैप्पी होगे। खुश रहना सीखो यार, मौज में रहना सीखो, ठीक है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही जबरदस्त आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे औषधीय गुणों का खजाना है। ये हमारे आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि है जो कि लगभग सैकड़ों रोगों के इलाज में काम आती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, प्राचीन काल से ही ये हमारे बहुत सारे रोगों को ठीक करने के बेहद काम आती आ रही है। हमारे वैद्य, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे महर्षि इसका यूज़ करते हैं बहुत सारी जटिल जटिल, यहाँ तक कि कैंसर, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों के रोकथाम में भी ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है। मैं बात कर रहा हूँ लौंग की। आप सभी के घर में लौंग होगा, लेकिन इसका आप दवाई की तरह उपयोग नहीं करते हैं। इसका उपयोग आप बिरयानी बनाने में, बिरयानी की खुशबू बढ़ाने में और भी तरह तरह की जो खाद्य पदार्थ है उनकी खुशबू बढ़ाने में करते हैं, लेकिन इसका उपयोग आप औषधि की तरह करेंगे तो इससे होने वाले मैक्सिमम फ़ायदों को ले पाएंगे और बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे। एलोपैथिक दवाएं आपके किचन से बाहर निकल जाएंगी, आप एलोपैथिक दवाओं के दुष्परिणामों से बच पाएंगे, आप अपने पैसों को व्यर्थ होने से बचा पाएंगे। बात समझो, एलोपैथिक दवाएं बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, यहाँ तक कि इनके इतने घातक दुष्परिणाम होते हैं कि लोगों की मौत तक हो जाती है। तो बात समझो और अपने आयुर्वेद को अपनाओ, अपने प्राकृतिक चिकित्सा को अपने जीवन में जगह दो तो लंबी आयु को प्राप्त होगे, हमेशा स्वस्थ रहोगे, बीमारियों से बचे रहोगे। तो यार लौंग में बहुत सारे पौष्टिक तत्व भी पाए जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जैसे पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर, आयोडीन, विटामिन के, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जैसे बहुत सारे पौष्टिक तत्व भर भर के होते हैं। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट भर भर के होता है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भर भर के होती हैं। मतलब देख रहे हो यार, आप एलोपैथ की दुकान पे जाओ और कोई एक ऐसी दवा का नाम बता दो जिसमें इतने सारे पौष्टिक तत्व भर भर के हों, कोई नहीं मिलेगी यार, कोई नहीं मिलेगी। और बिना किसी साइड इफेक्ट के लौंग तुम्हारे शरीर को हष्टपुष्ट पलवान बनाता है, तुम्हें बहुत सारे रोगों से बचाता है। लेकिन फिर भी हम इससे होने वाले फायदों से वंचित हैं, क्योंकि हमें शंका होती है कि लौंग खाने से हम कैंसर से कैसे बच जाएंगे, और यही शंका तुम्हें कभी जीवन भर ठीक नहीं होने देगा। समझ रहे हो, शंका मत करो, विश्वास करके पिया गया पानी भी दवा का काम कर जाता है। ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, समझ लो। चलो तो फिर इससे होने वाले कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाले फायदों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लौंग का सेवन करें ताकि आप इससे होने वाले अधिक से अधिक फायदों को ले सकें, ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले फायदे की बात करें तो यदि आपके सिर में हमेशा दर्द रहता है, हमेशा थकान रहता है, माइग्रेन वगैरह है, नींद नहीं आती है, तो उस कंडीशन में इसका सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। ये सिर दर्द को दूर करता है, साथ ही हमारे ब्रेन में एक डोपामीन नामक रासायनिक तत्व होता है, उसकी मात्रा को ये बढ़ाता है, जिससे खुशी का एहसास होता है, नींद अच्छी आती है, सिर दर्द, माइग्रेन और हेडेक वगैरह को दूर करने के ये बेहद काम आता है। साथ ही आँखों की रोशनी को भी बढ़ाने में ये बहुत मदद करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो कि आँखों की रोशनी को बढ़ाने में, नेत्र विकारों को दूर करने में, आईलाइट को इम्प्रूव करने की बेहद काम आती है लौंग। साथ ही यदि आपके दांतों में दर्द है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांतों में पौष्टिक तत्वों की कमी हो गई है, ठीक है, तो उस दौरान इसका सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है, दांतों की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में। साथ ही गले में खराश वगैरह है, गले में इन्फेक्शन वगैरह है, तो उस कंडीशन में भी लौंग का सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही मुँह की बदबू को भी दूर करने के बेहद काम आता है। आपको पता है कि हमारे आयुर्वेद की सबसे अच्छा माउथ फ्रेशनर लौंग है। यदि आपके मुंह में पायरिया वगैरह है, आप अपने मुंह की दुर्गंध को दूर करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी लौंग का सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। दमा के मरीजों के लिए इसका सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। ये हमारे श्वसन नलिकाओं में आए इन्फेक्शन वगैरह को दूर करती है, साथ ही दमा जैसी घातक बीमारी के रोकथाम में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। साथ ही हमारे श्वसन प्रणाली को भी सुचारू रूप से चलाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। साथ ही हमारे पेट के लिए इसका सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आपको कब्ज बनती है, अपच हो जाता है खाना खाने के बाद, साथ ही गैस है, एसिडिटी है, पाचक रस पेट में कम बनता है जिससे बहुत सारा कब्ज आपके पेट में इकट्ठा हो जाता है और पेट साफ नहीं होता जिसकी वजह से अल्सर वगैरह और बवासीर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, बहुत सारे ऐसे पौष्टिक पदार्थ होते हैं जो कब्ज वगैरह को दूर करते हैं। फाइबर इसमें बहुत अच्छा होता है जो कि पेट से कब्ज को दूर करने में और हमारे पेट को सुचारू रूप से और हेल्दी रखने के ये बेहद काम आता है, ठीक है।
साथ ही जी मचलाता है, यदि आपका बार बार उल्टी आती है, जी मचलाता है, तो उस कंडीशन में भी आप लौंग का या फिर लौंग के पानी का सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी संक्रमण प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शन, फ्लूज, सर्दी जुकाम, बुखार और पुराने बुखार को भी दूर करने के ये बेहद काम आती है। आप लौंग की चाय बना करके पी सकते हैं, ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ से भरी होती है, जो कि हमारे रक्त से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है, संक्रमण वगैरह को मारती है, जिससे शरीर स्वस्थ होता है, बीमारियों से बचता है, ठीक है। साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के ये बेहद काम आती है, तो प्लीज़ इसका उपयोग करो, बहुत सारे फायदे हैं इसके, ठीक है। अगले फायदे की बात करें तो पेट की गैस को दूर करने के, जैसा कि हमने आपको बताया पेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, तो एसिडिटी बनती है आपके पेट में, गैस बनती है, तो उस कंडीशन में भी इसका सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी ये। महिलाओं के लिए इसका सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है, पीरियड्स के दौरान हो या फिर गर्भस्थ महिलाएं हैं तो उनके पेट में अक्सर दर्द होता है, तो लौंग के पानी का यदि वो सेवन करेंगी तो उससे उनको बहुत आराम मिलेगा। गर्भावस्था के दौरान पेट में तरह तरह के दर्द होते हैं, बहुत सारे रासायनिक चेंजेस आते हैं जिससे सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, पीरियड्स वगैरह के दौरान महिलाओं में बहुत सारा पेन होता है शरीर में, साथ ही बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से मूड हमेशा खराब रहता है, मूड स्विंग वगैरह हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो उन सारी परिस्थितियों में इसका सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। ये हार्मोनल चेंजेस को बैलेंस करता है, संतुलित करता है, जिससे शरीर बहुत अच्छे से और ढंग से काम कर पाता है, ठीक है। अगले फायदे की बात करें तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन लेवल को अच्छा करने में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यदि आपके रक्त में विकार आ गया है, साथ ही धमनियों में ब्लॉकेज वगैरह भी आ गया है, तो हृदय के लिए भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होती है, ब्लड सर्कुलेशन लेवल को अच्छा करती है, जिससे हमारे शरीर में रक्त अच्छे से प्रवाहित हो पाता है, अच्छे से हर एक नसों नाड़ियों में रक्त पहुंच पाता है, जिससे हमारा शरीर सही ढंग से काम करता है। साथ ही इसमें पोटेशियम भर भर के होता है, तो ये हमारे हृदय के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, साथ ही नसों से ब्लॉकेज वगैरह को हटाने की ये बेहद काम आती है। तो यदि आप हार्ट अटैक, दिल के दौरे जैसी बीमारियों से बचना चाहते हैं और आप अपने ब्लड सर्कुलेशन लेवल को अच्छा करना चाहते हैं तो लौंग का सेवन ज़रूर करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही इसमें कैल्शियम भर भर के होता है, तो जो लोग गठिया के मरीज हैं, जिनके घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, आर्थराइटिस के मरीज हैं, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी भयानक बीमारी के मरीज हैं, तो उनके लिए इसका सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। ये गठिया जैसी बीमारियों को दूर करता है, अर्थराइटिस जैसी बीमारियों को दूर करता है, साथ ही शरीर में आए कैल्शियम, दांतों में आए कैल्शियम और हड्डियों में आए कैल्शियम की कमी की पूर्ति में लौंग बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। साथ ही पेचिस की बीमारियों के रोकथाम में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। यदि आपको दस्त बार बार होता है तो उस कंडीशन में भी आप लौंग की चाय का सेवन कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। आयरन भी इसमें अच्छी मात्रा में होता है, तो शरीर में आए खून की कमी की पूर्ति में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है, साथ ही शरीर की कमजोरी को भी दूर करता है। तो पेचिस के दौरान हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, काम करने में मन नहीं लगता, एकदम सुस्ती सी आ जाती है, तो लौंग की चाय उस कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही पुरुषों के लिए इसका सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है, इसमें बहुत सारे ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो कि पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाते हैं, स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं, साथ ही वीर्य को शुद्ध करने के लौंग बेहद काम आती है, टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने के ये बेहद काम आती है। यदि पुरुष भाई लोग इसका सेवन करेंगे लौंग के पानी का, तो इससे उनको बहुत फायदा मिलेगा, पुरुषार्थ की शक्ति बढ़ती है, शरीर हष्ट पुष्ट बनता है, मर्दाना शक्ति बढ़ती है और वो लोग बच्चे पैदा करने की क्षमता प्राप्त कर पाते हैं, समझ रहे हो। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, साथ ही इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, तो जो लोग कैंसर के मरीज़ हैं उनके लिए भी इसका सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। कैंसर सेल्स के रोकथाम में जब कोशिकाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं और कैंसर का रूप लेने लगती हैं, तो बढ़ी हुई कोशिकाओं को घटाने में और उन्हें और बढ़ने से रोकने के बेहद काम आती है लौंग, तो लौंग का सेवन ज़रूर करें। इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ भर भर के होती हैं, साथ ही जिनके स्किन पर फोड़े फुंसी दाग धब्बे हो जाते हैं तो उनके लिए भी इसका सेवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि स्किन पर होने वाले कील मुहासे दाग धब्बों को दूर करने के बेहद काम आती हैं, साथ ही हमारी स्किन के निखार में, स्किन पर ग्लो लाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो मित्रों, ऐसे ही ढेरों सारे फायदे हैं इसके, यदि आप लौंग का नियमित रूप से सेवन कर सकें तो आप बहुत सारी एलोपैथिक दवाओं के सेवन से भी बचेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो कि हमारी बहुत सारी जटिल और गंभीर बीमारियों को सहज में दूर कर सकते हैं। लेकिन आपको विश्वास करके इसका नियमित रूप से सेवन करना पड़ेगा, तो ही आप इससे होने वाले फायदों को ले पाओगे। बहुत सारे अद्भुत फायदे हैं इसके, कितना बताऊं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो चलो बात कर लेते हैं इसका सेवन आप किस तरीके से कर सकते हो। आप लौंग के पानी का सेवन करिए, बहुत ज़्यादा फायदा करेगी आपको। आपको करना क्या है कि मॉर्निंग में खाली पेट फ्रेश वगैरह होने के बाद एक से दो लौंग ले लीजिए और उसे पानी में अच्छे से उबाल लीजिए,
एक गिलास पानी लीजिए, जब पानी आधा से थोड़ा सा कम हो जाए तो इसको उतार के छान लीजिए, इसका सिप सिप करके सेवन करिए। बहुत ज़्यादा गुणकारी है अगर आप इस तरीके से इसका सेवन करेंगे। और एक तरीका और है, आप रात को दो लौंग पानी में भिगो दीजिए, सुबह होने के बाद इसको उबाल करके छान करके जब पानी आधा हो जाए तो पी जाइए। इससे क्या होगा कि रात भर भिगोने से लौंग का सारा सार पानी में आ जाएगा और ये आपके लिए और ज़्यादा गुणकारी हो जाएगी। तो मित्रों ऐसे ही ढेरों सारे फायदे हैं इसके, कितने फ़ायदों के बारे में हम आपको बताएं। इसका नियमित रूप से उपयोग करिए और इससे होने वाले फ़ायदों को लीजिए। तो आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियोस भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कमेंट भी किया करिए, वीडियो को शेयर भी किया करिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मौज में रहिए, हैप्पी रहिए, ठीक है। चलो जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चलो बाय।